This is the future. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फार्मिंग सिमुलेटर 22 के एक और मल्टीप्लेयर गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। और आज के गेम प्ले में एज़ यूजुअल मुझे ज्वाइन किया है जलानी मलिक और कमर ने। जलानी भाई का अपने यूट्यूब के ऊपर चैनल है, डू चेक आउट हिज चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई बहुत ही अच्छा फार्मिंग सिमुलेटर का कंटेंट बना रहे हैं विद स्टीयरिंग व्हील लाइक मी। और कमर का तो आपको पता ही है, ही इज़ वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड। और गाइज आज के गेम प्ले में हम लोग जो है वो शुगर बीट्स पहले नंबर पे हार्वेस्ट करेंगे। फिर मेरे ख्याल से हमने काफ़ी दिनों से ये वाले जो है वो प्लेस किए हुए हैं ग्रीन हाउसेज, इनकी प्रोडक्ट्स हमने कुछ सेल करनी है। और अगर टाइम मिला तो हम बेल्ट सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने पोटैटोज़ जो है वो सेल करेंगे। तो गेम प्ले आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन होने वाला है। इसी बात पे वीडियो के ऊपर लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है और हो सके तो शेयर भी बनता है। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट टुडेज गेम प्ले। तो गाइज़ एज आई मैंशन अर्लियर, आज क्योंकि हम लोग जो है वो शुगर बीट हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने पोटैटोज़ हार्वेस्ट किए थे तो हमने सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर यूज़ की थी जिसकी अपनी पावर कम है। प्लीज़ एक मिनट रुक जाना। तो आज हम लोग जो है वो शुगर बीट हार्वेस्ट करेंगे और ये हमारी फ्लीट है ज़बरदस्त किस्म की। हमने सोचा कि हम जो है वो जो ट्रैक्टर्स के पीछे हार्वेस्टर्स होती हैं इनको यूज़ करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जॉनडियर है, इसके सामने ये हेड लगा हुआ है। बेसिकली ये हेड क्या करेगा कि नहीं पहले न्यू हॉलैंड है, सॉरी अच्छा गाइस इस ट्रैक्टर का ये सेटअप जो है हमारा ये है कि इसके सामने ये हेड लगा हुआ है। ये हेड बेसिकली जो शुगर बीट्स के ऊपर वाले, सेकंड आई वांट टू इंटरप्ट यू, आई हैव टू इंटरप्ट यू, यू नो दैट कि गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, आसिम भाई को आजकल पता नहीं क्या मसला है। ये कल हमारी फसल थी उसकी गन्ने की, मतलब के क्या कहते इसको, शुगर क्या था वो, शुगर केन, शुगर केन की फसल थी और उसको सनफ्लावर्स कह रहे थे, सनफ्लावर्स कह रहे थे। और आज अच्छे ब्ले ब्लू न्यू हॉलैंड को ये झंडे कह वो यार पता नहीं क्यों मेरे ना तो कमेंट में ऐसे पूछा जरूर क्यों हुआ क्या इसको, चलिए कंटिन्यू करें। माइंड जो है वो कहीं और होता है। सो गाइस ये हमारा सेटअप है, इसके सामने ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली ब्लेड होता है, इसको आप ब्लेड कह सकते हैं। इसका काम होता है कि जो भी आलू हो चाहे हो शुगर बीट्स जो उनके ऊपर पत्ते लगे होते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, आपको पता है ये दोनों चीज़ें जो है वो जमीन के अंदर लगी होती हैं, तो ये ब्लेड जो है वो उनको ऊपर से काट देता है। तो जब ये काट देता है तो फिर पीछे जो है वो ज़मीन के ऊपर जो खेलियाँ रह जाती हैं वो उनमें बेसिकली शुगर बीट्स होती है। तो ये जो पीछे वाली मशीन है ये ज़मीन को, ज़मीन में से शुगर बीट या आलू जो भी हमने हार्वेस्ट करने उनको उखाड़ के बाहर करेगी, साफ़ करके यहाँ पे स्टोरेज में रख देगी। और फिर जैसे ही हार्वेस्ट फुल होगी हम इसको अपने ये पीछे जो ट्रक नज़र आ रहा है इसके अंदर लोड करेंगे। तो सबसे आगे न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है, उसके पीछे फेंट का ट्रैक्टर है, फेंट के पीछे केस है, तीनों के ऊपर एक ही तरह के इक्विपमेंट लगे हैं। और लास्ट पे हमारा ट्रक है जिस पे हमने ये सारे शुगर के शुगर बीट्स जो है वो अनलोड करनी है। फिर मेरे पीछे सारे ने पै जाना सी के होने शुगर केन बोलता। लो जी आपको अपने ट्रैक्टर मल लो, 3 2 1 लो जी, फेंट 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 ऑल द वे, फेंट केस केस केस, टर्न योर बीकन्स ऑन, यस यस, और हैजर्ड लाइट्स भी ऑन कर दो। गाइस वी आर गोइंग टू यू नो हार्वेस्ट आवर शुगर बीट। किस पे, मेरे आगे तो है नहीं, मैं किस पे टूटू भाई, चलते जाओ चलते जाओ। और वो तुम्हें पता ही है कि हमने जो है वो हमारी वो कहाँ पे प्लांट की हुई है, शुगर बीट्स। मुझे पता नहीं है यार मुझे पता था किसको नहीं पता, आप कह रहे हैं ना तुम्हें पता ही है यार। ये देखो साथ है, किधर जा रहे हो आप लोग, आगे किधर जा रहे हो ये जलानी भी मुझे फॉलो करता है, बहुत कोई जबरदस्त फॉलोअर है। क्या हुआ है वो आसिम कह रहा है ये है शुगर बीट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। लुकर से स्टार्ट करना था, हाँ गुड माना। चलो चलो यार जल्दी करो, आज मतलब है ना टाइम नहीं जाया करना। टू द पॉइंट है, चलो एक्सटेंड कर रहे फिर, मैं उन्हीं देर हार नहीं तो ना। एक्सटेंड थी क्या, अब एक्सटेंड हुई। हाँ बिल्कुल भाई, अपना सेटअप वेटअप जो है वो कर लें। वे वे ये क्या सिस्टम था भाई, क्या हुआ ये फोल्ड कैसे होती है, अनफोल्ड कैसे होती है भाई। तो मैं कह रहा हूँ ये फोल्ड है क्या, अनफोल्ड है ये, जब ऊपर होती है ना फोल्ड आ रहा है। हाँ ये अनफोल्ड है फिलहाल। और चले कमर फिर मैं फर्स्ट रो में हो जाता हूँ, आप तो आ नहीं रहे। ओके भाई पहले ही 1.5 लीटर डीजल जो है मैंने जाया कर दिया है।
गाइस वी आर अबाउट टू हार्वेस्ट आवर शुगर बीट्स, और मेरे पीछे आ रहे हैं चौधरी कमर साहब, नहीं बल्कि वो तो पीछे खड़े हैं, आसिम भाई हैं। आसिम भाई आ जाएं, क्या लेट है? करें शुरू, आप मुझे स्पेस तो दें थोड़ी सी। तो गाइज ये दोनों टूल्स ऑन करने पड़ने हैं, आगे वाली हार्वेस्टर, आगे वाला कटर भी, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया ऑन, अब मैं स्विच करूँगा पीछे वाली हार्वेस्टर को, इसको लो करूँगा और साथ ही ऑन करूँगा। सो ये दोनों टूल्स जो जो है कि वो मैंने नहीं किया था मैंने इसीलिए देख के बताया है तो इन दोनों को हमने ऑन कर लिया। अभी ये जैसे ही घूमना शुरू हो जाएंगे तो हम लोग जो है वो ऑफिशियली बिगिन कर देंगे अपना हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। और जलानी भाई क्योंकि थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, अब चलें जलानी भाई शुरू करें। बिस्मिल्लाह, वाह क्या बात है, मुझे लगता है दिहाड़ी अपनी इधर ही रहेगी आज और अब मुझे पता चला कि मेरा फ्रंट वाला बंद है ये तो बड़ा मसला है यार। ओके जी, फाइनली दोनों स्टार्ट हैं। तो गाइस थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद अब हम इंशाल्लाह भी स्मूथ करते रहेंगे बाकी काम। हाँ, पहली पहली दफ़ा है ना ये हमारा सेटअप तकरीबन, तो थोड़ा सा मसला मसाइल तो जो है वो आते ही रहते हैं। और यहाँ पे यू गाइस कैन सी, ओ क्या हो गया भाई मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर जा रहे हैं हम लोग कि नहीं? बेस्ट है, बेस्ट है। अगर वो आपने हम तो आउट किया हुआ पाइप भी। हाँ, मैं बस वो कर लिया, मैंने कहा शायद इसके वजह से कोई प्रॉब्लम ना ना हो। अच्छा तो ये गाइस एक मसला था जिसके वजह से हमने पिछली दफ़ा सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर यूज़ की थी, वो ये था कि इन हार्वेस्टर्स की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये 60% फुल हो चुकी है अगर हमने एक लाइन भी अपनी मुकम्मल नहीं की। सो दैट्स द रीज़न कि हमने जो है वो बार बार इसको अनलोड करना पड़ता है, तो इस वजह से आपका हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सो कमर अभी अभी रहने दो, जब भरेगी किसी की तो वो ले आएंगे हम। सो सेल्फ प्रोपेल्ड वैसे हार्वेस्टर जो है उसकी मेरे ख्याल से इतनी की रेंज है जितनी हम वन गो में लेके जा रहे हैं, बल्कि इससे थोड़ी होगी रेंज। जितनी मैं और जलानी लेके जा रहे हैं इतनी उसकी रेंज होगी मैक्सिमम, और वो ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही होगी। हनी भाई एक्स्ट्रा यार आप लोगों से बेहतर तो ये न्यू होलैंड का नहीं बेहतर? ये पाइप भी निकालने मतलब भाई मजा आएगा यार। आपकी गेम रुकी कि मेरी रुकी हुई? मेरी तो ठीक है, मेरी तो ठीक ही चल रही है। जब हार्वेस्ट स्टार्ट करने लगे थे ना सबसे पहले मैं आ गया था, उस वक्त मेरी रुकी हुई थी गेम। आपको गया ट्रेलर लेने के लिए? हाँ मैं आ गया हूँ, देखो कमर गया भाई। ये ट्रेलर है ना फील्ड के अंदर नहीं वाड़ना तो बवंजा निजाम नहीं हमने करना, इसको बाहर ही खड़ा कर दो, किसी ऐसी जगह पे कर दो जहाँ पे हम इजीली जो है वो जाके अनलोड कर दें। चलो आ जाओ फिर, पहली बार तो यही कर लो ना, एक जगह पे रोक दो ना, एक जगह पे एक नुक्कड़ पे रोको। चलें जलानी भाई पहली बार ये कर यहां लेना, नहीं ना यहाँ पे नहीं, एक दफा अच्छा। मतलब आप अनलोड कर लेना फिर वो बाद में चेंज कर देंगे इसको। हाँ ये रास्ता क्लियर हो गया यार, गेम लैग मार रही है, गेम लैग मार रही है। आसम तुम आ जाओ यार, वो फिर एक आसम चले जाओ, मेरी रुकी हुई गेम वैसे ही। ओके बड़ी स्मूथ चल रही थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया, अब चल गई। चलो रिवर्स कर लो, अब रिवर्स कर लो, चल गुजर जाओ। मुझे जाने दो अभी, मुझे जाना यार एक काम। मैंने कहा था कब दूसरों के बंद करोगे चलें जी, कुछ टेक्निकल जो है वो प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। अबे यार ये क्या मतलब सिस्टम है, ये ऊपर नीचे हो सकता है? व्हाई इट्स नॉट अनलोडिंग? कर तो रहा है मेरी तरफ से। आगे 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 भाई, बिल्कुल फिट ट्रेलर लेके आए हैं, मतलब के बड़ा ऊंचा सा है, अब देखे कोई इंच का डिफरेंस रह गया होगा टच करने में। लो जी पहली डेरी जो है वो मेरी तरफ से लग गई है इस ट्रेलर में। अभी नेक्स्ट राउंड इस तरफ से लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा है, तो थंबनेल वगैरह भी ले लेंगे। अब जलानी भाई आपने जो है वो पीछे रहना है क्योंकि हम दोनों अपने डायरेक्टर सेट करके बैठे। चलो जी हाँ हाँ निकलो निकलो, तो मैं ये कह रहा हूँ आप पीछे हूँ। टेक्निकल मुश्किलात की वजह से यहाँ पे हमें जो है वो काफी टाइम लग गया। एक मिनट सीन ऑन करने दो, बैक ऑन द ट्रैक। चलो भाई भाई बड़े स्लो ये, तुसी बड़े स्लो ये यार, मजा आ रहा है वैसे आज सब तो फन कम सी। हो जी गाइस ये है ना तरतीब जाना, ज्यादा अच्छा लग रहा है हमारा सेटअप,
सेटअप सेटअप की बात है। अच्छा आसिम ले लो, सामने ले लो यार। अभी नेक्स्ट राउंड पे लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एज पे अजीब यार लगता है। इस पे लाइट अच्छी, यार आप थोड़ा पीछे रुक जाओ ना, नेक्स्ट ठीक है ये भी। नहीं मतलब हम एक किनारे पे है ना ऐसे, मतलब जैसे मतलब कि अभी स्टार्ट किया थोड़ा सा सेंटर से आए ना, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अपीलिंग होता मतलब 7 दफा मतलब हुआ है है। मे भी मतलब है आपको कि, मतलब है कि वो कौन है हमारा सियासतदान, वो ओ कहता नो मतलब है कि नहीं, वो मतलब है कि नहीं कहता, वो कहता जो जो है है ओहो मेरी तो भैया हार्वेस्टर पूरी हो गई, फुल हो गई। चलो फिर आगे तो चलो, क्या नकल का क्या करें। अब ओ दूसरे राउंड के लिए पहले अनलोड करना पड़ेगा और ट्रेलर हमारा मसला उधर खड़ा है। ये है कि मेरी अभी 60-70% कैसे हुई है। यार क्या बात है, कमाल 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 कमाल। चलो वाह पीछे लो लाइन यार, देखो कितनी क्लीन बनी है, वाह वाह है ना भाई, वो मैंने भाई, बनाई लास्ट मेरी होती है वो। नहीं, वो मेरी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उसमें। लास्ट मेरी होती है जैसे जलानी भाई, हर दफा लास्ट ही होते। इस तो बात थी ना। सो गाइस अनलोडिंग टाइम, ये यही मसला है इनका कि मिंट ला के ये जो है वो फुड़क के भर जाती हैं ये, तो इनको फौरन फौरन छोटी जो है छोटी है वो ना, अनलोड करना पड़ता है। दे हैव वेरी लेस स्टोरेज। चलो जी अभी नेक्स्ट चलता है हम ओ लोग। आ जा तू अंधे वाह ड्राइवर देवा। यार मैं तो साइड से अपना ट्रैक्टर दिखा रहा था, वो अन्नू की तुम्हें तरह आके ठुका है बीच में। पता भी है कि मैं इतनी स्पीड से आ रहा हूँ, रुकना बहुत मुश्किल है। लो जी ये देख लो यार नहीं आपकी कौन से रिकॉर्ड हो रही मुझे तो कोई मसला नहीं क्या हुआ है? ये चलानी को आज मस्ती लड़ी हुई है सारा अनलोड कर रहे सी बड़ी बजी। यार मैं के कड़ा रिकॉर्डिंग करता हूं यार एवं। क्या हो गया यार आगे दरख्त है ना, आप लोग इतने माशाल्लाह अच्छे हैं ना, नेक है, ऐसे काम वहीं पे करते हैं जहाँ पे सोड़ा सन होता यार इतनी खुली जगह है, मतलब आपने क्या यहाँ पे बिग बर्ड चलाना है सुना नहीं सोड़ा सन होता है। मैं ऊपर से मोड़ के ओके लाया हूँ ठीक वो पहाड़ के पीछे से आसिम यार, मतलब अगर पूरा एक गेम प्ले इस चीज को डिवोट किया जाए ना, मुझे करने में बड़ा मजा आ रहा है। मुझे नहीं पता देखने वालों को कैसा लगेगा, हाँ वाकई याद बड़ा ही है खूबसूरत यार। आ रहा है, एक बहुत मिनट ये खूबसूरत। क्या सिस्टम है भाई, अपने अपने पाइप निकालो, अच्छी लगती है हार्वेस्टर ऐसे, पाइप कटे निकालो अपना चंगा ना। लगता है, भला और निकाल लिए। क्या, अभी मेरी बात सुनो, मैं ट्रक लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकिंग लगाओ, सारी थंबनेल लेने हैं, सेल्फी लेनी है। हो गया चलें चलें जी। ओ नो अरे भाई क्या हुआ, रुको स्टार्ट नहीं की मशीनें ऑन कि करना भूल गया मैं बंद ही नहीं की, मुझे पता है इतना रोड़ा ना था। नहीं वो मैं फिर ट्रैक्टर से बाहर निकला था ना। आ जाओ भाई सारे आ जाओ यार, ये लाइट यहाँ देखो पे कितनी लगाना जबरदस्त आके पड़ रही है ना इनके ऊपर, मतलब किन के ऊपर। अच्छा ये शॉप वाली साइड से कैमरा करके देखो फार्म की तरफ। मैंने शेडो शेडो सारे शैडो मार भी अच्छा आ दिए रहा है कमर को तो बस मैं नीला हरा पीला माइनक्राफ्ट खेल रहा है ये फार्मिंग तो सिमुलेटर जिस तरफ से देखूं एक सारा एक जैसे व्यू आ रहा है में। इसलिए मुझे तो कोई अच्छा चक्कर आसिम ने नहीं मुझे है। बताया था, मैंने उस दिन के बाद फिर 2K इस्तेमाल किया है। 2K बड़े मज़ेदार, वैसे आप तो फोर अच्छा के में खेलते हो ना। हाँ मैंने पहले फोर आप के ट्राई किसमें किया, खेलते थे। 1080p, 1080p अच्छा अल्ट्रा। लो जी नहीं फिर अब 2K पे खेला करें, बेशक सेटिंग थोड़ी लो कर लिया करें, हाँ नहीं अच्छा बल्कि चल रही। चलती है आपकी तो। हाँ सही है चलो यार, भी 2K आप फार्मिंग तो चला ही जाएगा, 3070 है, इतना माड़ा हाँ भी नहीं इजी है भी नहीं, 70 बड़ा जाता है, अच्छा और कार्ड ना है। ये फार्मिंग सिमुलेटर 22 है ना, 19 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। हाँ मैं कोई फैन नहीं ऑब्वियसली रहा, यार फर्क पड़ेगा ना बहुत ज़्यादा, टाइम। यकीन करें मैं फार्मिंग सिमुलेटर ना उस दिन मैंने कंपैरिजन वीडियो बनानी थी ना, तो वो फार्मिंग सिमुलेटर 19 मेरा 95-90% जीपी यूज़ कर रही थी 4K, और ये 60 को क्रॉस ही नहीं करती यार। ये अनलोड नहीं हो रहा, ट्राला तो वाह नहीं भर गया हमारा नीचे वाला, नहीं, चेक कर लो
नहीं भरा भरा लग नहीं रहा वैसे। यार, नहीं फिर यार भर नहीं सकता। अनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं है? इट शुड बी अनलोडिंग। मैं दूसरी तरफ से जाग करता हूँ दीदी, आपके तो नखरे बहुत है। ओ ओ ओ आया था आया था। नहीं यार, नहीं आ आया। यहाँ पे ये यार, ये आहा क्या आहा, क्या क्या बात है। ट्रिगर बकवास है जलानी भाई। अब देखें वो कहाँ पे अनलोड हो रहा है, जाके ट्रिगर आ रहा है। पॉइंट ठीक नहीं है इसका। हाँ यार, बड़ी मसले हैं इस गेम में कसम से। अभी भी तारीफें कर रहा था। हम ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड हैं, लेकिन दूसरे भी तो आप ये भी देखें ना कि ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं। ये बग्स मेरे क्या ख्याल से बात है ऑप्टिमाइजेशन में जलानी। नहीं आते अब जलानी भी कहेगा यार इस गेम में बड़ा मसला है। अच्छा, 17 में आए, गेम मैंने देखो ना इसके यार। सबसे लीस्ट बग्स और हाँ इस तरह की चीज़ें इनकाउंटर की थी। 19 में उससे ज़्यादा थी और 22 में उससे ज़्यादा है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे इनकी न्यू गेम्स आ रही हैं, बग्स भी जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ये जलाने भी ने भी अब कहना है कि नहीं यार इस गेम में बहुत बहुत बग्स हैं, बहुत बग ज़्यादा। है। अनलोडिंग का सबसे बड़ा बग है इसमें। देखा कितना प्रोफेशनलिज्म वगैरह वगैरह, मिनट में 1 मिनट में अनलोड किया बिल्कुल ठीक से। हो गई यार, ये तो रिवर्स ही नहीं हो रही मुझसे। नहीं हाँ भी जाने आपको करके दूँ, नहीं हो प्रोफेशनल रहा है मिल अनलोड, आपके पास है। हो रहा है, हो रहा है ओके चलो प्रोफेशनल फार्मर साहब, हो रहा है। जी। हाँ ये भी, ये चमचियाँ सी काम पार करो यहाँ पे। करनी है। अच्छा गाइस, हमने यहाँ पे बस किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम सारा गेम प्ले जो है वो एक ही काम के ऊपर नहीं लगाना चाहते। अब मकसद था आपको थोड़ा सा दिखाना, थोड़ा सा फन करके दिखाना, क्योंकि हम लोग जो है वो फिर अगर यही काम करते रहे तो हमारी एनर्जी ख़त्म हो, यानी अगले टास्क करते वक्त आपने कहना ये सोंगे। सो इसलिए हम एनर्जी थोड़ी सी कंजर्व करके वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टास्क, ठीक है? और ये हमने जितनी भी हार्वेस्ट की है, बाकी की जो है वो हम पर्सनली जब गेम खेलेंगे तो इसको हम जो है वो हेल्पर शेल्पर लगा के या खुद भी इवन हार्वेस्ट कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेलर जो है ये भर चुका है 85%, और इट इज़ आई गेस ऑलमोस्ट इनफ। तो इसको कोई बंदा अगर सेल कर रहा है तो बेहतरीन होगा, क्योंकि हम फिर बाद I में can do इसमें, that. I can. I हाँ will. I आप should. जलानी I भाई have जाके to. सेल करें, मैं तब तक जो है वो बेल्ट सिस्टम सेट करता हूँ और फिर हम पोटैटोज़ जो है वो अनलोड करते हैं इसमें। अच्छा इस पे कवर नहीं आता, नहीं कवर नहीं आता इसमें। लो जी गाइज, आसमान कपड़े ये उतार के दे लो। व्हाट? अरे नहीं यार, ये दरवाज़ा नहीं खोलना था, ये Where should I वाला sell it? खोलना था। At Farmeries? अपने फार्म पे मे सेल बी यू करा. शुड चेक द प्राइस, कहाँ पे है? Prices. Okay. फार्मरीज शॉप के ऊपर नहीं है, ये ग्रेन एलिवेटर के ऊपर थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। यार ये आपको ना वो ट्रेन स्टेशन के ऊपर बेच के आनी पड़ेगी। ओके, मैं इसका लगाता हूँ। 700 डॉलर मिल रही है, बस विच ठीक इज़ आई गेस अ ह्यूज वैल्यू। ओ सॉरी, मैं है. प्रिंट पोटैटोस की देख स्टिच. रहा था, सॉरी। ओए ओए नहीं ये फिर आपको मिलेगी। हाँ सच यार, इसको हम ओए. अपनी वो शुगर मिल पे अनलोड करके आए जलानी भाई, ओके इसको शुगर मिल पे अनलोड कर दें और वो साथ में वो एक्टिवेट भी कर दीजिएगा। मैं भी आ ही रहा हूँ फ्लैश चलो बन के। ठीक है. चल गाइस, मैं अब हमारी शुगर पीट जो हमने हार्वेस्ट की, हमारा एक ट्रेलर हुआ है अभी थोड़ी सी रोज़ में से, एक दो रोज़ में से, तो उसको मैं करने जा रहा हूँ अनलोड. हमारी जो हमने शुगर मिल लगाई है वहाँ पे, होपफुली वहाँ से हमें कुछ शुगर पैलेट्स मिलेंगे. आसिम यस, शुगर चीनी मिलेगी, चीनी तो जिन लोगों को नहीं पता ग्रेट भाई, इससे भी चीनी बन सकती है, बाहर वाले मुल्कों में, बाहर वाले कंट्रीज़ में बनती जो है. है वो हाँ, बनती है, इससे ज़्यादा बनती है इससे बिल्कुल. ज़्यादा बनती है। वो गन्ना कम इस्तेमाल करते हैं, इसको ज़्यादा यूज़ यूटिलाइज करते हैं, लेकिन हम गन्ने से भी बनाएंगे। हमने गन्ने जो है वो भी हार्वेस्ट करने शुरू किए थे पिछले गेम प्ले में, लेकिन वो इतना कोई मसला आ रहा था कि हार्वेस्टर जो है वो काम नहीं कर रही थी ठीक से, सिर्फ हेल्पर लगा के हम कर सकते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो आई रियली डोंट नो द रीज़न, इसके बैक पे होगी जलानी भाई। अच्छा मुझे ये बता दो कि अभी कोई शुगर के दो चार दाने बने हैं पहले हमारे पास कि नहीं? नहीं नहीं, ये फ्रंट पे एक्टिवेट पिकअप करेंगे तो पॉइंट फिर ही है। हाँ फ्रंट पे पिकअप पॉइंट है, बैक पे अनलोडिंग पॉइंट है। है. ये ट्रॉली का निशान बना हुआ है. हाँ भाई उस्ताद, ऑन दे ऑन दे ऑन दे। ओके जी, आठ बस मान करके अनलोड करो. अरे ओके ये क्या, मतलब छोटी सी मूवी से ये जी. निकल ही कैसे ये सकती चावल अभी, ये पता नहीं किसी ने सेट किया अब था, मैंने सिर्फ किया वो ठीक अनलोड ही है। किया. सही। और ये देखो ये दीवार में से चावल. गिर रही है, वो इसकी दीवार बनी हुई है। यार मतलब हद है, इतनी एडवांस हो गए हैं ये एनिमेशंस देखिए। इससे
है ना, काफ़ी बेहतर प्योर फार्मिंग की एनिमेशन थी ग्रेन की, वो बिल्कुल अच्छा। सॉलिड मेस की तरह जो है वो काम कर रही थी। जिलानी भाई आपने खेली है वो? मैंने इंस्टॉल की थी, उसके व्हीकल्स वगैरह मुझे बड़े अच्छे लगे थे, साइज उनका जो है ना स्केल, लेकिन हाँ, और वो अनलोडिंग तक ये मैं जो नहीं जा सका ग्रेन्स क्योंकि ग्रेन्स इतनी वगैरह अच्छी हैं, नहीं ये लगी, भी मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी के थे। सो तो ट्रक को भी यहीं खड़ा रहने देते हैं क्योंकि इसका काम अब नहीं है। नहीं, वो बेल्ट सिस्टम इसके साथ लगा लेंगे हमने ना। वहां से जो उठाने आलू वगैरह इसमें डालने हैं। हाँ इसमें डालेंगे। हाँ तो अरे ठीक मैं है, स्टक हो गया ओके यहाँ चलो इसको पे। लेके चलता हूँ मैं वहीं पे। हाँ भाई रेसिपी, यम यम यम, शुगर बन रही है, जी एक्टिवेट कर प्रोडक्शन दिए कॉस्ट बेल्ट। चल रहा यार कोई है। ट्रैक्टर ले आओ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने सोचा था कि करीब ही तो है वो वेयर बड़ा हाउस। स्लो काम है यार, बड़ा स्लो मैंने काम है वो। सोचा करीब है वेयर हाउस, तो इसको ऐसे लेके चल जाता हूँ 3 दिन गाइस, मैं उसको ड्राइव करता रहा। वो तो फिर पीछे से आके किसी ने पुश किया ट्रैक्टर और से। गालियां निकाली, गर्म हो गया सुन के, फिर स्पीड बढ़ी। गंदी अच्छा ये जो रेड रेड है इसमें, तो ये तो मेरे ख्याल से ग्रेन वाला है, ये नहीं आलू उठाएगा है ना, ऐसे ये ऐसे। उठाएगा अच्छा ग्रीन वाला। ट्रैक्टर चाहिए कोई? जलानी हाँ भाई चाहिए, क्या हो गया आप लेके आ रहे हैं? मैं ट्रक लेके आ रहा हूँ। ट्रक? यार, अच्छा ये अच्छा करीब मैं खुद ही ले लेता हूँ। नहीं ये मैंने पार किया था शेड में अपना ट्रैक्टर। लो जी गाइस, 1 घंटा लगा के हमने ये बेल्ट सिस्टम तैयार किया है, और इसके चलने ना चलने का अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, और मैं ना कोशिश कर रहा चलने हूँ का कि यहाँ जिम्मेदारी तेरी से। मेरी है। सही ओके, अब ये ट्राले का ट्रिगर भी जो है वो कुछ अजीबो गरीब वॉन्की किस्म का है, सो आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट। चलो भाई चलाओ। और जिलानी भाई इसके अंदर है, बेल्ट के अंदर। और अब उनसे जिलानी बाहर भाई ही जो है वो निकला जा रहा कंट्रोल करेंगे। है। चलें मैं जिलानी कितना भाई। तफेरे होया। चलो भाई दिखाओ एटम को जलाने भाई। द फक इट व्हाट? सेज स्टार्ट द इंजन फर्स्ट, ये क्या चक्कर है? हाँ इसका इंजन कहाँ है असल, ये इसके टायर छोटे जो चेक करो। छोटे वाले में बैठे ना, अब आप क्योंकि बैठे तो मेरी तरफ से इसमें बैठने का ऑप्शन नहीं आ रहा। पहले छोटे वाले को स्टार्ट करें। अब इसमें बैठने का ऑप्शन नहीं आ रहा, व्हाट द हेल। ओके लेट मी सी। मैं देख एक ही होना मिनट है, भाई यही साहब। होना है शायद, इसी से करें। वाह वाह ओ वाह वाह। वाओ, लो जी कुछ हो गाइस, रहा है भाई। मुबारक भाई, मुबारक मुबारक मुबारक, आलू ये आ गए हमारे लोड हो आलू। रहे हैं जी, आलू शरीफ हमारे ट्रक में फाइनली हो रहे हैं, हो रहे हैं। फाइनली हाँ। रेडी चलो भाई पैसे पूरे हो गए ओके आलू। नहीं? नहीं तो मेरे वाला आइडिया ठीक था कि एक एक आलू उठा के फेंक के तो ट्राला फील हो जाना, फिर इतनी देर हमने इस पर वाकई गाइस जितना हमें टाइम लगा है ना, लगाई सीरियसली अगर हम लिटरली एक एक आलू उठा के भी इसके अंदर रखते हैं ना, तो इससे कम टाइम में काम बन जाना था। भाई। और ये कौन पंगे ले रहा है? वो देखो मैं उसका मुंह किस तरफ कर दिया। अच्छा पूरे हो रहे हैं, बस आगे वाले बेल्ट में आलू नहीं नजर आ रहे। वो ऊपर से कवर है ना, पता नहीं भाई ये क्या सिस्टम। ओके जी गाइस, तो यहाँ पे कुछ मसले मसाइल जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे पोटैटोज़ में, और यकीन करें 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और अब हम लोग जो है थक चुके हैं। एनीवेज़ ये आलू इसमें आप देख सकते हैं अनलोड हो रहे हैं, और इसमें भी मसले मसाइल आ रहे हैं, ये देखें आप, आधे बेल्ट पे शो हो रहे हैं, आधे पे हो ही नहीं रहे, और और यहाँ ये पे आप होते देख होते ही सकते। हम बता हाँ दें। बिल्कुल, और ये अभी हम अगले गेम प्ले में ये पोटैटोज़ अपने सेल करेंगे, और देखेंगे कि क्या मसले मसाइल आ रहे हैं इस बेल्ट सिस्टम में, और उसको हम डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आप लोगों को आज का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर गेम प्ले पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, जलानी भाई का चैनल भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, इज़ मेकिंग ऑसम कंटेंट ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर गेम्स विद स्टीयरिंग व्हील, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और हम ऐसे ही आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।